हाय गाइस, दिस इज वजीर अजहर मेहंदी। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 डिफिकल्ट वर्ड्स बताऊंगा सिर्फ 2 मिनट में। तो पहला वर्ड आपको जो मैं बताने जा रहा हूं वह है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को याद रखें, प्रोटेक्टर से। प्रोटेक्टर्स आपने देखा है मैथ्स में, आप लोग यूज़ करते हैं सर्कल बनाने के लिए। फर्ज करें आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है, आपके टीचर ने आपको सर्कल बनाने के लिए कहा है, तो क्या होगा, आपको ज़्यादा देर लगेगी एक अच्छा सर्कल बनाने के लिए। तो प्रोटेक्टर मीन्स प्रोलॉन्ग देन एक्सपेक्टेड, लंबा, जितना आपने सोचा था उससे लंबा होना। इसका सेंटेंस इस तरह बन सकता है, प्रोटेक्टर वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। दूसरा वर्ड जो बताने जा रहा हूँ वह है चौपी। चौपी को याद रखें, छप छप, देखें छप छप, इस तरह पानी में अगर आप छप छप मारें तो पानी में क्या पैदा होंगी, वहाँ से लेयर्स पैदा होंगी, ठीक हो गया। तो चौपी का मतलब है टर्बुलेंट, कुछ कोई डिस्टर्ब होना, स्मॉल वेव्स, जिसमें स्मॉल वेव्स हो, या फिर स्टॉमी यानी कोई तूफानी हो जाना। तो इसका आप इस तरह जुमला बना सकते हैं, सी कंडीशंस आर ऑफन वेरी चौपी, यानी दरिया में अक्सर लहरें होती हैं इस तरह के, ठीक है। तो इसको याद रखें चौपी से, यानी छप छप अगर मारेंगे तो लेयर्स निकलेंगी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट को सैक्रेट से याद रखें, सैक्रेट का मतलब है मुकद्दस होना, तो सैक्रोसेंट भी वहीं से निकला है, यानी बहुत ज़्यादा टू इम्पॉर्टेंट, कोई अहम चीज़। नेक्स्ट जो वर्ड बताने जा रहा हूँ वो है एक्स्ट्रापेट। एक्स्ट्रापेट को याद रखें एक्स्ट्रापेट से, आप फर्ज करें आपकी तूंदे निकली हुई हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना पेट कम करना चाहिए, तो एक्स्ट्रा पेट मींस एक्स्ट्रा पेट, और हमें अपना एक्स्ट्रा पेट कम करना चाहिए ना, तो एक्स्ट्रा पेट मींस टू रिमूव, हटाना, कोई चीज कम करना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एम्ब्रोक्लियो। एम्ब्रोक्लियो को याद रखें डिब्रोकली से। डिब्रोकली जो एक इक्वेशन है केमिस्ट्री में, आपने यकीनन पढ़ा होगा, जो बहुत मुश्किल है, कम्प्लेक्स है, तो एम्ब्रोक्लियो मींस something which is complex, difficult to understand. और आखिरी वर्ड जो मैं बताने जा रहा हूँ वह है रूमिनेशन। रूमिनेशन को याद रखें मौलाना रूमी से, जो स्पिरिचुअल एक बहुत बड़े आलिम थे और हमेशा सोचते रहते थे। तो रूमिनेशन means टू थिंक डीपली, कुछ सोचना, और इसका एक और मीनिंग भी है, यानी जो गायें वगैरह करते हैं, जुगाली करना, यानी टू च्यू द कट्स। तो नाजरीन, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो काइंडली इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।